बाबू हुसैन मलक, प्रेसिडेंट जेएनके गवर्नमेंट एम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी। आर आज का जो मेन मुद्दा और मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, ये सबसे अहम मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेम्परेरी लोग 1,00,000 से ज़्यादा जो लगाए हुए हैं, सरकार ने अभी तक इनके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई, जबकि ये लोग 20 से 25 साल अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जितनी सरकारें रहीं उन्होंने भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, और आज जम्मू कश्मीर के अंदर अभी तक कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाएगी। दिल्ली के अंदर या डिफरेंट स्टेट हैं या यूटी हैं, वहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट 18,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेरी वर्कर है उसको सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है, और बहुत से डिपार्टमेंटों में जो वो लोग डिप्टी अपनी सर अंजाम देते हैं, लेकिन उनको 2-2, 3-3 साल से सैलरी नहीं दी जा रही। हम ये कहना चाहते हैं इस वक्त जितना ये काम जो है ये टेम्परेरी लोग कर रहे हैं, इनके लिए सरकार को कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। और इसी पर ये जो मुद्दे हैं, हमने 13 तारीख को जो है प्रेस क्लब के अंदर एक प्रोटेस्ट रखा है। हम तमाम मुलाज़मों से अपील करते हैं कि 13 अक्टूबर 2021 में सब मुलाज़म प्रेस क्लब में हाजिर वहाँ आए, और वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और इसके साथ जो 900 जो है आंगनवाड़ी वर्कर जो है सुपर हेल्पर टू सुपरवाइजर जो सरकार ने जो जिसको डिसएंगेज किया है, हम ये भी इसकी चीज़ की भी निंदा करते हैं कि अगर वो 20 से 25 साल से वो लोग काम करते हैं, आज उनको डिसएंगेज किया क्यों किया गया है, और उनको रीएंगेज किया जाए, और साथ की इनकी 3 साल की जो सैलरी है वो भी रिलीज की जाए। मेडिकल नर्सेज की हम बात करें, हम सरकार से ये अपील करते हैं, मेडिकल 300 रुपया एम्प्लॉयज़ का है, 300 से बढ़ाकर 1,000 किया जाए। और ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन मुद्दे हैं, और इसके साथ हम ये भी सरकार से ये अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा मुलाजम है वो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है, लेकिन हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? दिल्ली के अंदर या डिफरेंट जो स्टेट है वहाँ 30 से 55 साल तक रखा हुआ है, और जम्मू कश्मीर का जो मुलाजम हमारा है उसको 22 से।